हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी क्लास। नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। प्रीवियसली वी हैव डन द मुगल एम्पायर एंड बिफोर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट दिल्ली सल्तनत्स। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द बिल्डिंग्स दैट द रूलर्स दे हैव मेड इन इंडिया। So there are many buildings, many monuments you have seen, you have heard about Qutub Minar. You have heard about Qutub Minar. Qutub Minar was a famous monument that was built during Delhi Sultanate. So first of all, we'll see how was the structure of Qutub Minar. So I'll show you a picture of Qutub Minar. You can see this in your book. This is one of the building, one of the story of Qutub Minar. This is first story of Qutub Minar. You can see here you can see there is some text written in Arabic language. You can see here this area and here also. Okay, so these texts are written by the ruler Qutubuddin Aibak. The construction of the Qutub Minar was started by Qutubuddin Aibak, but after some time he died, so the Qutub Minar was left incomplete. After Qutubuddin Aibak, the next ruler Iltutmish completed the construction work of Qutub Minar. कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन वर्क को इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था, जबकि स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एंड कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ऑल्दो द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, हु फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी इन्होंने फाउंड की थी, एंड द फर्स्ट बिल्डिंग और वी कैन से फर्स्ट स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड द रिमेनिंग बिल्डिंग्स दैट इज 4 out of 5 वर बिल्ट बाय इल्तुतमिश। जो पहली मंजिल थी कुतुब मीनार की वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और जो बाकी की 4 मंजिल हैं, यानी कुतुब मीनार इज़ ए 5-storied बिल्डिंग, जिसमें से जो ऊपर की जो 4 stories हैं दैट वर बिल्ट बाय इल्तुतमिश। ओके, एंड इसमें समय समय पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी कराया गया, इसकी रिपेयरिंग भी कराई गई बाय डिफरेंट रूलर्स एज वी कैन सी। दिस इज हियर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी। दीज रूलर्स डिड द रिपेयरिंग वर्क ऑफ द कुतुब मीनार। ओके, सो कुतुब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड इन started by Qutubuddin Aibak and finished by Iltutmish in 1229. Now okay,
यू कैन सी द होल इमेज ऑफ कुतुब मीनार हियर. इट इज 5-स्टोरीड बिल्डिंग. सी दिस इज कुतुब मीनार. इट इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन एसोसिएशन विद इल्तुतमिश. कुतुब मीनार एज वी नो द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ कुतुब मीनार वॉज फिनिश्ड इन 1229 एंड इट इज रिपेयर्ड बाई वेरियस रूलर्स. एंड वन थिंग टू नोट ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड इज दैट द ऑल द बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्क दैट इज डन by the rulers we can divide it in two ways. That is, first structures were forts, palaces, garden, residences, tombs, etc. And second were public interest ke buildings, the buildings that were associated with the public activities, like we can see temples, mosques, tanks, wells, caravanserais, bazaars, एटसेट्रा. सो जो किंग्स जो होते थे ये अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो उनके मासेज हैं, जो उनकी प्रजा है, उनकी प्रेज प्राप्त करने के लिए, उनकी उनकी निष्ठा प्राप्त करने के लिए ये डिफरेंट्स बस वर्क्स कराते थे. सो नाउ वी सी द इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन कि क्या स्किल्स यूज़ की जाती थी और क्या इसमें वर्क किए जाते थे. ओके, प्रीवियसली क्या होता था कि जब जब फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ रूम, तो उस रूम को किस तरीके से बनाया जाता था. सिंपली पिलर्स होते थे. सिंपली वी कैन से हियर दीज आर पिलर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम. Like these are pillars, and in pillars के ऊपर simply छत बना ली जाती थी. Okay, so this became the roof. लेकिन जब बड़े बड़े hall बनाने होते थे तब ये जो engineering skills हैं ये sophisticated होनी ज़रूरी थी, क्योंकि the roof will be drop down, मतलब नीचे गिर जाएगी, और ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी वेस्ट. सो एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसको कहा जाता है ट्रेविएट और कॉर्वेल्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ट्रेविएट और कॉर्वेल्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. इसमें क्या होता था, इसमें जो ये सुपर स्ट्रक्चर होता था, जो रूफ जो होती थी, या वी कैन से दैट डोर्स और विंडोज में जो भी छत जो होती थी, जब इसको बनाया जाता था तो इसमें हॉरिजॉन्टल बीम्स लगाए जाते थे. लाइक दिस हॉरिजॉन्टल बीम्स वर कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट द सुपर स्ट्रक्चर. सो दिस इज कॉल्ड ट्रेविएट और कॉर्वेल्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ओके, इन दिस the corbelled or traviate style of architecture is associated with the horizontal beams. जो horizontal beams होती थी, अगर इनको use किया जाएगा then this style is corbelled style. Okay, and this is used in the up to 13th century. 8th से 13th सेंचुरी के बीच इसको यूज किया जाता था. एंड इट वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग्स, लाइक वी कैन से टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स एंड स्टेपवेल्स. सो स्टेपवेल्स क्या होते थे? स्टेपवेल्स को हिंदी में कहते हैं बावली. सो यू कैन सी इन दिस फिगर the traviated style of architecture
इसमें ये कॉलम्स होते हैं, पिलर्स वी कैन से, एंड इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल बीम होती है ये यूज़ की जाती है। सो इसके यूज़ करने से क्या होता है, जो रूफ़ जो है ये काफ़ी बड़ी रूफ़ को सपोर्ट कर सकती है। सो दिस इज़ एन सोफेस्टिकेटेड स्टाइल, ओके, एंड दिस सोफेस्टिकेटेड स्टाइल इज कॉल्ड ट्रेविएट और कॉर्वेल्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब इसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी और आएगी जिसको हम कहेंगे आर्कुएटेड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। बट बिफोर रीडिंग अबाउट दैट वी शुड स्टडी एन टॉपिक, अ टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग, बावली यानी स्टेप वेल। यू हैव हियर्ड अबाउट वेल्स यानी कुएं, वेल्स मीन्स कुएं, तो आपने कुआं परहैप्स आपने देखा होगा। हालांकि आज के टाइम में वेल्स का यूज़ नहीं होता है, और स्टेप वेल्स का तो यूज़ बहुत ही पहले होता था। सो स्टेप वेल्स क्या होते हैं, स्टेप वेल्स, जब वेल्स में क्या होता है, आप रस्सी के सहारे उसमें बाल्टी डालते हैं और सिंपली पानी निकाल सकते हैं। लेकिन स्टेप वेल्स में क्या होता है कि उस कुएं में उतरने के लिए डिफरेंट डिफरेंट उसमें सीढ़ियाँ बनी होती थी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। यू कैन सी इन द पिक्चर, आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ स्टेप वेल। ये काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर्स होते थे, इनकी बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छी बनाई जाती थी। सो यू कैन सी हियर, दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप वेल लाइक दिस। ये बीच में एक वेल है, और इस तक पहुंचने के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट ये स्टेयर्स बनी हुई हैं चारों तरफ, एंड दिस इज़ ए पैलेस लाइक स्ट्रक्चर। सो ये काफ़ी ग्रैंड बनाए जाते थे, काफ़ी शानदार होते थे, और बहुत ही जो रूलर्स थे उनकी एक तरीके से प्रेस्टीजियस को शो करते थे। यू कैन सी इन दिस, एंड देयर इज वी कैन सी अनदर एग्जाम्पल, दिस इज रानी जी की बावड़ी। इन दिस यू कैन सी दीज आर स्टेयर्स, यू कैन गो डाउन विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेयर्स डाउन, एंड दिस इज रानी जी की बावड़ी। इट वॉज बिल्ट बाई रानी नठावट इन 1699। शी वॉज क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह, एंड इट इज इन बूंदी, बूंदी राजस्थान, ये राजस्थान में है इस समय। ओके, सो दिस इज रानी जी की बावली। यू कैन से इन दिस दीज आर स्टेयर्स टू गो डाउन, सी द हाइट ऑफ द स्टेयर्स। ओके, सो दिस इज बावली, दैट इज स्टेप वेल्स, एंड नाउ देर आर मेनली टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिश डेवलपमेंट्स दैट टेक प्लेस इन द 12th सेंचुरी। इसमें क्या हुआ, दो डेवलपमेंट्स आए। फर्स्ट इज आर्टिकुलेटेड, जो आर्च जो होती है, दिस इज आर्च, यू कैन से दिस इज आर्च, और इस आर्च को बनाने की टेक्निक ये 12th सेंचुरी में डेवलप हुई। तो इसमें क्या होता था कि देयर इज ए की स्टोन, दिस द मिडिल स्टोन, दिस इज कॉल्ड की स्टोन। ये जो की स्टोन होता था दैट बियर्स द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, जो भी इसके ऊपर स्ट्रक्चर बना होता था, आइदर दिस इज रूफ और दिस इज वॉल, द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इज कैरिड आउट बाई द की स्टोन, एंड दिस की स्टोन ट्रांसफर्स द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्च।
यानी इस आर्च के बेस पे ये इस वेट को ट्रांसफर कर देता था. सो दिस वॉज ए स्टेबल स्ट्रक्चर एंड इट इज डेवलप्ड इन 12th सेंचुरी एंड यूज ऑनवर्ड्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क्स, टॉम्स एटसेट्रा. एंड द अदर स्टाइलिश एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस वॉज द यूज ऑफ लाइम स्टोन सीमेंट. दिस वॉज अ ह्यूज डिस्कवरी. लाइम स्टोन सीमेंट से क्या हुआ, इट वॉज अ वेरी गुड सीमेंट, हाई क्वालिटी सीमेंट, जिससे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत जो बिल्डिंग्स थी वो बनी. ओके, सो दीज आर द टू मेन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस. नाउ वील स्टडी अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ टू टेम्पल्स एंड विद द हेल्प ऑफ बुक यू कैन सी द डायग्राम ऑफ दीज टेम्पल्स. फर्स्ट इज कंदरिया महादेव टेम्पल, वी कैन सी दिस इज कंदरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इट वॉज बिल्ट बाई किंग धंग देवा ऑफ द चंदल चंदेल डायनेस्टी. चंदेल डायनेस्टी के किंग थे धनदेव, उनके द्वारा ये बिल्ट किया गया था एंड इट इज नाउ इन खजुराहो, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश में है ये. तो यू कैन सी द डिफरेंट पीक्स ऑफ द टेम्पल हियर, हियर एंड हियर. दिस इज द एंट्रेंस, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हियर. इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज एंट्रेंस एंड दीज आर कॉल्ड दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड महामंडप. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड महामंडपा एंड दिस स्ट्रक्चर इज मंडप. एंड हियर यू कैन सी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर अबव विच दिस शिखर और पीक स्टैंड्स. दिस इज कॉल्ड गर्भगृह. हियर द प्रोमिनेंट डीटी जो कि मंदिर के मुख्य देवता थे वो उनकी स्टैचू यहाँ पर होती थी एंड ऑल द रिचुअल्स वर कैरिड आउट हियर एंड इन महामंडप डांसेस आर परफॉर्म्स. ओके, एंड ऑल रिचुअल्स आर कैरिड आउट हियर. नाउ वील सी अनदर टेम्पल विच इज कॉल्ड राज राजेश्वर टेम्पल. हियर दिस इज राज राजेश्वर टेम्पल. दिस टेम्पल वॉज लोकेटेड इन तंजौर एंड द शिखर दैट इज द पीक ऑफ दिस टेम्पल इज ट्वाइस हाई एज द पीक ऑफ कंदरिया महादेव टेम्पल. एंड यू कैन सी हियर दिस शिखर स्टोन. दिस इज अ वेरी बिग स्टोन वेइंग अबाउट 90 टन. इसका वजन करीब 90 टन के आसपास है और इसको शिखर पे पहुंचाने के लिए, क्योंकि उस समय क्रेन्स नहीं होती थी तो शिखर पे पहुंचाने के लिए एक करीब 4 किलोमीटर लंबा एक इंक्लाइंड पाथ बनाया गया था. क्योंकि क्रेन्स नहीं होती थी तो बिना क्रेन्स के इसको इतने ऊपर पहुंचाना बहुत ही बड़ी बात थी. तो इसका इंक्लाइनेशन बहुत ही कम किया गया और धीरे धीरे इसको लुढ़का लुढ़का के इसके टॉप पे पहुंचाया गया. सो दिस इज राज राजेश्वर टेम्पल. इट वॉज बिल्ट बाय द सेम किंग एज द नेम ऑफ द डीटी और टेम्पल एंड द किंग नेम इज सेम. सो नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज
building temples, mosques, and tanks. So, किस तरीके से टेंपल, मॉस्क और टैंक्स ये बनाए जाते थे, व्हाट वर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग दीज मोनूमेंट्स, इनको बनाने की क्या ज़रूरत थी, व्हाई वर द किंग बिल्ड दीज स्ट्रक्चर्स. सो टेंपल्स और मॉस्क जो थे ये काफ़ी ब्यूटीफुली बनाए जाते थे, इनमें काफ़ी लेबर भी लगती थी, कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी हैवी होता था, एंड ऑल द ग्रेट टेम्पल्स एंड मॉस्क वर बिल्ट बाय द रूलर्स. सम टेम्पल्स वर आल्सो मेड बाय अदर पर्सन लाइक ट्रेडर्स, कुछ जो ट्रेडर्स होते थे या कुछ व्यापारी लोग होते थे, कुछ पावरफुल फंक्शन जो पर्सन्स होते थे वे भी टेम्पल्स को बनवाते थे. लेकिन जो हाईएस्ट और वी कैन से लार्जेस्ट जो टेम्पल्स थे दे वर बिल्ट बाय द रूलर्स एंड दे डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रॉन, जो भी उनका बनाने वाला था उसकी पावर, वेल्थ और उसकी आस्था को दिखाते थे. एज ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, किंग वॉन्टेड टू एम्फेसाइज देयर मोरल राइट टू बी रूलर. जो भी नया किंग बनता था, जो भी नया रूलर बनता था, वो ये चाहता था कि जो उसकी मासेज हैं, जो उसकी सब्जेक्ट्स हैं, वो उस पर पूरी निष्ठा रखे, पूरी आस्था रखे. सो दे कंस्ट्रक्ट द पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक टेम्पल, मॉस्क एंड टैंक्स. टैंक्स टैंक्स आर द सिंपल वी कैन से पॉन्ड्स. ये पॉन्ड्स होते थे. पॉन्ड्स किस तरीके के होते थे, ये लाइक इल्तुतमिश द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत बिल्ट द टैंक विच इज नेम्ड हौज ए शमसी और वी कैन से हौज ए सुल्तानी. आई शो यू द पिक्चर ऑफ हौज ए सुल्तानी. जस्ट वन मिनट, आई शो द शो यू द पिक्चर. You can see the picture of Hauz-e-Sultani which was built by Iltutmish. So this is the pond which was built by, and here this is remains of the building that was built near the pond. काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसकी जो ब्रिक्स हैं वो टूट गई हैं, डिस्टॉर्ट हो गई हैं. ओके, सो we will now move to the next topic. We have discussed about this Hauz e Sultani, which is also known as King's Reservoir. Here you can see, and there is also a tank इन द अमृतसर टेम्पल. अगर आप कभी अमृतसर टेम्पल को देखने गए हैं तो यू कैन सी द टैंक अराउंड द टेम्पल ऑफ अमृतसर. दिस इज गोल्डन टेम्पल. ओके, टैंक से क्या होता था, एक तो जो बिल्डिंग होती थी उसकी जो शोभा थी ये काफ़ी बढ़ जाती थी, काफ़ी अट्रैक्टिव बिल्डिंग लगती थी. ओके, एंड इट शोज द importance of that temple or building in association with that particular ruler. So here is next topic, why were temples targeted? Temple को target क्यों किया जाता था? जब कोई external ruler होता था, वो किसी राज्य पे attack करता था, तो वो उस जगह के temples को, mosque को वो target करता था. Because temples show the wealth and power of that particular ruler. So in order to show his power, the other ruler, that is invader, destroys the temples of that particular area. You know that Mahmud of Ghazni, aapne naam suna hoga, Mahmud Ghazni,
उसने इंडिया पे 17 टाइम्स इन्वेड किया था एंड ही लूटेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ एंड इन दिस टेम्पल ही गॉट अ लॉट ऑफ गोल्ड, लॉट ऑफ ज्वेलरी, लॉट ऑफ वेल्थ एंड ही टुक अवे टू हिज किंगडम. सो दिस चैप्टर इज अ लार्ज चैप्टर. दिस इज हियर वी हैव स्टडीड ऑल द टॉपिक्स ऑफ टुडे एंड ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके.